क्या हो गया? वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी बस रेडी हो गई हूँ, मंदिर जाऊँगी, मंदिर से आऊँगी, फिर आप लोगों से मिलूँगी। आप सबको गुड मॉर्निंग, हैप्पी सोमवार। सावन का तीसरा सोमवार है ये। तो मैंने आज मॉर्निंग से ही ब्लॉग स्टार्ट किया है, नहा के आई थी तब से। तो आई होप आप सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि सावन का तीसरा सोमवार है और सावन के दिन सबके मन में एक उमंग ही होती है। शायद सभी लोग मंदिर जाते होंगे, सभी लोग, ये सभी का रूटीन होगा जो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो चलिए फिर फूल तोड़ लेती हूँ, फिर जाती हूँ। और सारा सामान मैंने पूजा का जो भी था मैंने रख लिया है। और आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब बारिश भी हो सकती है। मंदिर में जाऊँ तो आते समय हो सकता है बारिश होने लगे, मौसम कुछ ऐसा है। लेकिन मंदिर तो जाना ही है, भीग जाऊँगी तो भीग जाऊँगी, कोई बात नहीं। मंडे सैटरडे ही जाती हूँ, अगर ये दो दिन भी मैं गैप कर दूँगी तो फिर मन नहीं मानेगा मेरा। फूल तोड़ती हूँ और फिर चलती हूँ मंदिर। मंदिर से आने के बाद आप लोगों से मिलूँगी। जो लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। न्यू व्यूअर्स जो आते हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस ये फूल मैं इधर तोड़ लूँगी, क्योंकि वीडियो फास्ट किया हुआ है मैंने, आप लोगों को देख के लग रहा होगा। और फास्ट ना करो तो वीडियो बहुत लेंथ वाली हो जाती, कोई वीडियो नहीं देखता है। और कोई भी ब्लॉगर हो 10 मिनट से नीचे तो कोई ब्लॉग बना ही नहीं सकता, कितना भी कट करोगे। ब्लॉग का मतलब होता है सारी रियल लाइफ अपनी, तो कितना भी कट करो 10 मिनट से नीचे का ब्लॉग तो भाई नहीं बन पाता है। तो जो लोग व्यूअर्स होते हैं जिन्हें देखना पसंद होता है ब्लॉग, वो तो फुल देख लेते हैं। और जो लोग भाई केवल वो पूरा करने आते हैं कि हाँ हम आपकी वीडियो पे आए हैं, तो वो कितना देखते हैं उन पर तो मुझे डाउट है। लेकिन जो व्यूअर्स होते हैं जिन्हें हमारे ब्लॉग अच्छे लगते हैं वो तो फुल ही देखते हैं, ये मुझे पता है। और बस फूल तोड़ लूँगी, ये लाल वाले फूल बहुत अच्छे लगते हैं। अभी आज 7 बज रहे हैं, लेट थोड़ा हो गया है मुझे, लेकिन अभी 1-2 घंटे बाद ये फूल बहुत बड़े बड़े खिल के दिखेंगे। तो अभी मुझे मंदिर जाना है, वैसे भी लेट हो गया है, तो मैं तो बस इतने तोड़ के चले जाऊँगी। लेकिन और बहुत सारे लगे हुए हैं, वापस आऊँगी मंदिर से तो घर के लिए फिर से तोड़ूँगी, क्योंकि बहुत अच्छे बाद में खिल जाएंगे। अभी बारिश का मौसम है तो खूब खिलते हैं, फिर बाद में इतना नहीं खिलते हैं। ये देखिए अभी पूजा का सारा सामान मैंने रख लिया है, बस कुछ ही बाकी है। और फूल ये लाल वाले फूल तो बहुत ज़्यादा खिलते हैं, लेकिन वाइट और पीले वाले नहीं मिलते हैं। तो कभी कभी जाती हूँ बाहर से तोड़ लाती हूँ, आज नींद ही नहीं खुली, लेट हो गया है मुझे खुद। तो मैं सोच रही हूँ अगर तोड़ने जाऊँगी तो और लेट हो जाएगा, जाऊँ अकेले ही जाऊँगी तो वहाँ का तो नहीं दिखा पाऊँगी, वहाँ से आऊँगी तो दिखाऊँगी। चलिए फिर आती हूँ तो मिलती हूँ आप लोगों से। और बस मैं अब मंदिर जा रही हूँ, बच्चों को बता रहे थे कि दरवाज़ा बंद कर लेना। और फिर आ गई हूँ मंदिर से घर, ये पीछे तरफ पूजा कर रही हूँ अपने। और यहाँ जो आप लोग सामने घास देख रहे हो ना, इसे साफ़ करना है, लेकिन बारिश लगातार फिर से होने लगी है। अभी कल से नहीं, बारिश थमी हुई थी और काम इतना पड़ता है आप सब जानते हैं। तो यहाँ मैं पूजा आरती कर रही हूँ, इतना काम पड़ता है आप सब जानते हैं। जो लोग YT से रिलेटेड हैं YouTube से, उनको तो बहुत अच्छे से पता है कि YouTube पर काम करना एक बहुत बड़ा मेहनत वाला काम है, सारा दिन इसमें मेहनत करनी पड़ती है। मैं सच बताऊं तो मेरे घर के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं मैं कितनी मेहनत इसमें कर रही हूं, और बाहरी लोगों को तो मैं नहीं समझा सकती कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूं। समझ लो दिन भर मुझे 1 मिनट के लिए ये टाइम नहीं मिलता कि मैं अपने दरवाजे के पास खड़े होकर लोगों को देख लूँ, बाहर के छत में घूम लूँ, इतना टाइम नहीं मिलता। दिन रात मुझे YT में YouTube में मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके 2 रुपए मिलते हैं, समझ लो इतनी सारी मेहनत है। और लोगों को लगता है ये मजाक चल रहा है, यहाँ वीडियो बना रहे हैं डाल रहे हैं, तो यहाँ भैया कोई मजाक नहीं चल रहा, रियली सारा दिन मेहनत करना पड़ता है और काम काम होता है। किसी चीज़ के लिए आप सपने देख रहे हो कि हम ये करेंगे तो वो सपने नहीं पूरे होते। चलो लगता है कोई भी काम तो करें हम, घर में रह के करो, अपना काम करो, किसी और के घर में बैठ बैठ के बुराई इधर उधर की करने से अच्छा है कि आप किसी न किसी काम में बिजी रहो। मेरा तो यही कहना है सभी लोगों से कि जो हम इधर उधर करते रहते हैं दुनिया का, उससे अच्छा है अपने काम में बिजी रहो, इसमें कोई नहीं हंसेगा। अपने काम से काम रहोगे ना तो कोई नहीं हंसेगा, मान लो इतनी बात। तो बस मेरी आरती हो गई है, पूजा हो गया है, आज मैंने वो सब म्यूट किया हुआ है। जान रहे हैं क्यों इतनी ज़्यादा बारिश आज हो रही, मंदिर से आई कि बारिश होने लगी, खर 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 इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है। और आरती पूजा हो गया है मेरा, और भगवान जी को मैंने नहला दिया है, क्योंकि प्रभु ही हैं जो सब जानते हैं यार। जो निधि हो नाथ ही तुम,
पास में हूँ तारा। ओम शंभवाय नमः, पार्वती पतये नमः, गणेश पिताये नमः, शंभुनाथाय नमः, त्रिलोकीनाथाय नमः, देवादिदेव महादेवाय नमः। पूजा हो गई है, बस अभी बन रही है चाय, बारिश अभी भी हो रही है, जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ अभी भी बारिश हो रही है, तो चाय बन गई है, यहाँ पे बैठ के मैं थोड़ा सा पी रही हूँ। देखिए 9:15 बज रहे हैं, पूरा काम कंप्लीट करते करते मॉर्निंग का अभी मैं चाय पी रही हूँ। मंडे के दिन लेट ही चाय पीती हूँ, नहीं तो रोज़ तो भाई मैं उठते ही पी लेती हूँ। और देखिए शिव ने कौन सा कांड किया है, मंडे के दिन इतना बड़ा अपशगुन कर दिया इसने। देखिए ये देखिए अपनी चाय इसने अड़ा दी, दूध और चाय ज़मीन में गिरना अच्छा नहीं होता है, लेकिन बच्चों का क्या है भाई, हो ही जाता है। तो बस उसे मैं पूछ दो, देखिए कैसे डरा हुआ बैठा है, सोच रहा है मम्मी डांटे ना, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चों से हो जाती है गलती यार, बच्चे हैं, इनसे गलती नहीं होगी तो किससे होगी। तो बस अभी मैं बाल अपने सुखा रही हूँ, पहुँच गई हूँ किचन में, बनाने जा रही हूँ नाश्ता। आज पूरा मॉर्निंग का ही रूटीन सिर्फ दिखाऊँगी, ब्रेकफास्ट तक फुल रूटीन नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो फिर हो जाएगी, और ये मंडे का ब्लॉग है, इसे मुझे ट्यूसडे को डालना ही डालना है, इसलिए बस मैं इतना ही शूट कर पाई हूँ। और ये चाउमीन बना रही हूँ, इसलिए बना दे रही हूँ बच्चों का कि ये कुछ देर हल्ला नहीं करेंगे, अभी मैं सुस्ताऊँगी कुछ देर, फिर मैं खाना बनाऊँगी। ये देखिए चाउमीन रेडी है इन सब की, और मैं थोड़े बड़े बर्तन में देती हूँ, बच्चे ना छोटे छोटे प्लेट में तो गिरा देते हैं, शिव बस है वो अपने मन से प्लेट में लेते। फेवरेट है क्या? ये शिव का फेवरेट, मतलब शिव को ये वाला बना दो तो शिव बहुत ही खुशी से खाता है। रोज यही खाओगे? खाना नहीं खाओगे? खाएगा, इसका फेवरेट है ये। और ये लोग खा रहे हैं, मैं बैठ के देख रही हूँ, क्योंकि चाउमीन मैगी भैया नो नहीं पसंद, पता नहीं क्यों बिल्कुल। और यहाँ पे बैठी हूँ, पतिदेव गाड़ी निकालने वाले हैं, बोल रहे हैं हटो सब लोग यहाँ से तो बस यहाँ से उठूँगी अब, और बस ब्रेकफास्ट कर लिया बच्चों ने, मैंने चाय वाय पी ली, और फिर देखी कितने बर्तन हो गए। ऐसी चीज़ें बनाओ ना नाश्ते में तो चम्मच कढ़ाई मतलब पूरा बर्तन हो गया, तो मैंने सोचा मैं धुल के इसे रख दूँ, क्योंकि इकट्ठे होते रहेंगे तो मुझे ही धुलना है, फिर अभी लंच बनाऊँगी फिर बर्तन होंगे, तो वैसे बहुत सारे बर्तन मैंने निकाले हैं, बहुत बर्तन ही बर्तन दिखते हैं चारों तरफ, तो मैं धुल लो कम से कम इसे यूज करूँगी, उन सबको मैं रख दूँ, क्योंकि बर्तन निकालने में और जूठारने में मेरी ये गंदी आदत है, बहुत सारे बर्तन इकट्ठा कर लेती हूँ जूठा कर करके, और इसीलिए मैंने सोचा आज मैं इवनिंग में सब अरे मॉर्निंग में ही धुल डालूँ। अभी 11 भी नहीं बजे हैं, 10 बज रहे हैं अभी जब ये बर्तन मैं धुल रही हूँ, धूप नहीं थी तो मैंने सोचा धुल लूँ, धूप रहती तो भाई मैं नहीं धुलती, बड़े बर्तन कितने इकट्ठे हो जाएं धूप में फिर नहीं मज़ा आता। वैसे भी सुबह 5 बजे से उठो तो हड़बड़ हड़बड़ बहुत सारे काम हो जाते, वो और काम मैंने आपको दिखाया कहाँ, सुबह उठी मैं झाड़ू पोछा बर्तन मॉर्निंग का जितना काम था पूरा फिनिश किया, तो हड़बड़ हड़बड़ थक जाते हैं हम लोग, हम हाउस वाइफ का कभी छुट्टी तो मिलनी ही नहीं मुझे पता है, और एक तो ऐसे ही हाउस वाइफ वाली जॉब है ही हमारे पास, दूसरा हमने यूट्यूब में भी मेहनत कर लिया, तो समझ लो ये डबल हो जाता है, और यूट्यूब में फुल डे देना पड़ता है, जो यूट्यूबर्स हैं उनको तो खैर अच्छे से पता है, और जो यूट्यूबर्स नहीं हैं उनको लगता है यहाँ सब मजाक चल रहा है, ये लोग सब फालतू वीडियो बना बना के डाल रही हैं, बेवकूफ़ हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है भैया, इस दुनिया में कोई बेवकूफ़ नहीं है, अगर कोई कुछ कर रहा ना उसमें उसे कुछ लाभ होगा तभी वो कर रहा है, इतना तो आप समझदार हो समझ ही लिया करो। खैर जो न्यू आते हैं सब्सक्राइब करना चैनल को मेरे, अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं न्यू वीडियो में मिलूंगी, प्लीज़ ऑल फ्रेंड सपोर्ट मी, बाय।